4 मार्च 2018 को नेशनल सेफ्टी डे के उपलक्ष्य पर भारतीय भवन बर्नपुर के दीपनी प्रेक्षा गृह में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे ऑफिशिएटिंग सीईओ श्री श्रीकांता, ईडीपी एनए श्री सीएस सिन्हा के अलावा अन्य जीव स्तर अधिकारीगण, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आसनसोल श्री देव्यान दे, इनके अलावा आईएसपी के पांचों यूनियन तथा आईओए के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। सर्वप्रथम श्री श्रीकांता ने इस समारोह का उद्घाटन दीप जलाकर किया। इनके अलावा अन्य अतिथियों ने भी प्रदीप प्रज्वलन किए। जीएम सेफ्टी श्री एस घोष ने उपस्थित सभी का स्वागत किया। इसके बाद जीएम मैकेनिकल शॉप श्री एस नंदी, जीएम मिल श्री ए के सक्सेना तथा जीएम इंचार्ज सर्विसेज श्री एस तनेजा ने बंगला, हिंदी एवं अंग्रेजी में सुरक्षा शपथ वाक्य का पाठ करवाया। इसके बाद श्री दे ने स्टील इंडस्ट्रीज में सुरक्षा के महत्व पर प्रस्तुति दी। पांचों यूनियन तथा आईओए के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा विषय पर अपने अपने वक्तव्य पेश किए। श्री श्रीकांता ने कहा, कर्मियों की सुरक्षा ही संयंत्र की सुरक्षा है, इसलिए सुरक्षा के दायरे में रहकर कार्य करना कर्मियों का पहला कर्तव्य है। श्री सिन्हा ने कहा, सुरक्षा की जरूरत हमें हर पल होती है, इसलिए हमें हर पल सजग रहने की जरूरत है और इसके लिए किसी खास अवसर की जरूरत नहीं, इसलिए हमारा संगठन सुरक्षा को प्रथम स्थान देता है। तत्पश्चात आईएसपी के एम्प्लॉयज तथा एक्स एम्प्लॉयज ने सुरक्षा को प्रधानता देते हुए मुझे जीने दो पर नाट्य प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्री सिन्हा ने पूर्व आयोजित सेफ्टी कॉम्पिटिशन के तहत प्रतिभागियों को अंग्रेजी, हिंदी, बंगला भाषा में सेफ्टी एसे के लिए, अंग्रेजी, हिंदी एवं बंगला में सेफ्टी स्लोगन के लिए, सेफ्टी पोस्टर के लिए, इन सब के अलावा सेफ्टी क्विज में यूएसएम विभाग की टीम को सेकंड रनर्स अप, टीएंडआरएम विभाग की टीम को फर्स्ट रनर्स अप तथा इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग को चैंपियन बनने के लिए सेफ्टी क्विज एक्सीलेंस अवार्ड। श्री दे ने रोड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव के लिए ऑपरेशन गैरेज तथा कैपिटल रिपेयर विभाग को स्पेशल सेफ्टी अवार्ड दिया। श्री श्रीकांता ने यूटिलिटी तथा आरएमएचपी विभाग की टीम को जीरो एक्सीडेंट 2017 के लिए सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया।